فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان السماء منفطر به كان وعده مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میرا نام عبد الوهاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس. بات کو पॉइंट पे लेकर आने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि उसमें आप लोगों का फ़ायदा हो. पहले आप बात को समझें पूरी तरीके से और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए और साफ हो जाए, फिर आप उसके बाद जो चाहें आप करें. पहले तो देखें, मैं आपको ये कहूँगा, पहला फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को मैं ये दूंगा, अगर यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी वॉइस में करें, ठीक है. अगर आप हाफिज़ हैं, अगर नहीं है तो नाजरा तो पढ़ा ही होगा. अगर नाजरा भी नहीं पढ़ा हुआ, वैसे ही कुरान पढ़ना जानते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर थोड़ा सा ऑनलाइन किसी से सीख लें, साथ साथ सीखते भी रहें. ऑनलाइन आजकल हर कोई पढ़ाता है, तजवीद के साथ पढ़ाता है, तो साथ साथ सीखे भी और साथ साथ भी चैनल क्रिएट करें और अपनी वॉइस में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. तो ज़्यादा बेस्ट है. दूसरे नंबर पर आता है कि अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता, नहीं आती, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे मदरसे में, नहीं पढ़ रहे तो उनको पढ़ने के लिए छोड़ दें. पहले तो ये कहूँगा, अगर पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों के नाम से चैनल क्रिएट करें और उनकी तिलावत रिकॉर्ड करके एडिट करना है. कैसे करना है सारी चीज़ें तो मेरे चैनल पर पढ़ी हैं कि रिकॉर्ड कैसे करनी है, एडिट कैसे करनी है, प्रोफेशनल तरीके से कैसे उसको एडिट करना है, बनाना है, वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पर पढ़ी हैं. आप वहाँ से जाके अपने बच्चों की भी तिलावत रिकॉर्ड करके एडिट करके अपने बच्चों के नाम से चैनल बना के आप अपलोड करें, वो भी एक अपनी वॉइस हुई आप लोगों की, ताकि कल को जब आप चैनल कल को आपका 1K सब्सक्राइब हो जाते हैं और 4000 वॉच टाइम हो जाता है तो आप अप्लाई करें तो आपका चैनल आसानी के साथ मोनेटाइज हो जाए, ठीक हो गया. अब ये सारी चीज़ें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारी चीज़ें जो मैंने कहा ये नहीं हो सकता आप लोगों के साथ, पॉसिबल ही नहीं है. तो आप चाहते हैं कि हम किसी और की वॉइस यूज़ करें, डाउनलोड करें और एडिट करें और अपलोड करें और इस तरीके से हम काम करें, तो उसके लिए देखें, मुझे औरों का तो नहीं पता. मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई अपने चैनल पर, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो जिनको नहीं पता, जो नए हैं तो वो फिर इस वीडियो में जान लें कि इस चैनल के साथ साथ मैं अपने 2-3 चैनल और भी चला रहा हूं जिसमें मैं खाली अपनी तिलावतें अपलोड करता हूं रिकॉर्ड करके, ठीक है. एक है कारी अब्दुल वहाब चांग, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा. नए आए तो जाके उनको भी सब्सक्राइब कर दें, उनको भी देखा करें. अगर सीख रहे हैं तो उनसे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे. पहला है कारी अब्दुल वहाब चांग, दूसरा है स्मूथ कुरान और तीसरा है हाफिज़ अब्दुल वहाब बलोची. ये 3 चैनल मेरे हैं. तो अब मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन जो तरीक़ेकार मैं आपको अपना बताऊंगा कि मेरी तिलावत आपने किस तरह उठानी है और किस तरह अपने चैनल पर डालनी है ताकि आपको यूट्यूब कॉपीराइट कॉपी क्लेम का मसला ना दे, वो तरीक़ेकार आप लोगों को मैं समझाऊंगा. अगर आप लोग इसी तरीके से किसी और की करना चाह रहे हैं, किसी और की आपको पसंद है तरीका, पढ़ने का अंदाज पसंद है, तो उनको भी इसी तरीके से करके देखें. अगर फिर भी आता है तो उन्होंने खुद इजाज़त नहीं दी, इस चीज़ का बिल्कुल ही मना किया हुआ है. अगर उस तरीके से जो मेरे तरीके से आप अगर किसी और की उठाते हैं, आता है कॉपीराइट कॉपी क्लेम आता है, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता. फिर यही है दूसरा हल, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरीके से मेरी तिलावत को आप उठाएं, इंशाल्लाह ताला आपको कॉपीराइट कॉपी क्लेम का मसला नहीं आएगा. अब उसका तरीक़ेकार क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मेरी तिलावत एक तो होती है डायरेक्ट मेरी वीडियो के साथ ऑडियो को डाउनलोड करके अपलोड कर देना, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें हो सकता है आपको कॉपीराइट आ जाए यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि आप डायरेक्ट डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं, उसमें आप अपना कोई वो नहीं कर रहे, अपना काम नहीं कर रहे, अपनी मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है. तो वहाँ मैं ये कहता हूँ, देखें, आपने जैसे कि मेरे चैनल से, किसी भी चैनल से, स्मूथ कुरान, हाफिज़ अब्दुल वहाब बलोची या कारी अब्दुल वहाब चांग चैनल से मेरी तिलावत उठा लेते हैं, ऑडियो आपने उठानी है, ठीक है. ऑडियो आपने जो भी आपको तिलावत अच्छी लगती है वो आप ऑडियो डाउनलोड कर लें. और मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस तरह आपने चैनल नया स्टार्ट करना है तो स्टार्ट लें आप कहाँ से, कौन सी सूरतों से, जो सर्च कीवर्ड आती हैं, जो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा सुनने वाली होती हैं, वो ये होती है सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह वाकिया और सूरह मुल्क. ये 4 सूरतें सर्च कीवर्ड में आती हैं, ज़्यादातर लोग इनको सुनते भी हैं और ज़्यादातर ये व्यूज़ भी ले लेती हैं, ठीक है. तो इसी तरह आपने मेरी इस तरह की सूरतों पे पहले काम करना है. अब आपने कोई भी तिलावत अब मेरी डाउनलोड कर ली मेरे चैनल से, तिलावत को उठाने के बाद आप अपने बैकग्राउंड में
अपनी कोई वीडियो लगा लेनी, जो कि मैं अक्सर बताता हूँ गूगल से फ्री कॉपीराइट मिल जाती हैं, पिक्सल से भी मिल जाती हैं और पिक्सा बाय से भी मिल जाती हैं, तो बेहतर है पिक्सा बाय से करें। अच्छे अच्छे आपको बैकग्राउंड इस्लामिक बैकग्राउंड लिखेंगे तो आ जाएंगी, या फिर कोई भी बैकग्राउंड आप लिखते हैं, आपकी स्पेलिंग बस ठीक होनी चाहिए, आप जिस तरह का मंजर चाह रहे हैं, आपने अगर स्पेलिंग सही लिखी तो आपको उस तरह का मंजर दे दिया जाता है, फिर आप वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कैसे करनी है, बहुत ही आसान तरीका है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, मैं एंड स्क्रीन में फिर भी दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि उनको वहां से जाके डाउनलोड कैसे करना है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या हुआ, वीडियो आपकी हुई, ऑडियो आपने मेरी उठा ली, अब आप क्या करते हैं, जैसे उन दोनों को काइन मास्टर इन शॉट या कपकेट या किसी भी एप्लीकेशन में मोबाइल पे जाके एडिट करते हैं, ऑडियो को अपनी वीडियो के साथ एडिट करने के बाद, अगर आप कुरान लिखना चाह रहे हैं तो अच्छा है, बेस्ट तरीका है, वो भी करें। अब वो कुरान कैसे लिखते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां फोल्डर बनाया है, बाकायदा मैंने फोल्डर होगा कुरान वीडियो एडिटिंग कैसे करें, मोबाइल में कुरान वीडियो एडिटिंग कैसे करें, उसको खोलें, लेटेस्ट जो वीडियो होगी, बेहतर है लेटेस्ट वीडियो होगी उनको देखें, उसमें एक थंबनेल होगा, थंबनेल पे चांद बना होगा बड़ा सा, उस वीडियो को आप देख लें, वहां से आपको समझ आ जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन में दे दूं, नहीं तो आपने उसमें देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि कुरान कैसे लिखना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब आपकी वीडियो अपनी होगी, कुरान एडिट करेंगे, कुरान लिखेंगे, ऑडियो मेरी होगी, तो ये आपकी क्या हुआ, एडिटिंग हो गई। जब आपकी एडिटिंग हो जाती है, उसके बाद जब आप अपलोड करें तो टाइटल में जो सूरत का नाम है वो तो मस्ट आता है, वो आपने इंग्लिश में लिख लेना है। सूरत का नाम लिखने के बाद, क्योंकि आपने मेरे चैनल से ऑडियो उठाई है, अब मेरे चैनल जैसा कि आपने उठाई है कारी अब्दुल वहाब चांग चैनल से, तो उसका नाम आता है कारी अब्दुल वहाब चांग चैनल, मेरे चैनल का नाम, तो आपने सूरत के नाम के आगे मेरा नाम डाल देना है टाइटल में, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने सुमुद कुरान से उठाई है तो आपने सूरत का नाम डाल के सुमुद कुरान आगे लिख लेना है, क्योंकि उसमें मेरा नाम नहीं डालना, क्योंकि चैनल का नाम लिखना है, चैनल किस नाम से उसको आपने क्रेडिट देना है। तो कारी अब्दुल वहाब चांग लिख के फिर आपने डिस्क्रिप्शन में आना है, डिस्क्रिप्शन में जो सूरतों के मजीद किस तरह लोग सर्च करते हैं वो तो पहले आपने डाल लेना है, ठीक है। सूरा मुल्क, सूरा मुल्क की तिलावत, सूरा मुल्क ब्यूटीफुल, इस तरह जो भी है कीवर्ड आपने डाल देना है, कुरान फॉर स्लीपिंग, कुरान फॉर रिलैक्सिंग, इस तरह करने के बाद फिर आपने वही सूरा मुल्क लिख के कारी अब्दुल वहाब चांग चैनल, मतलब मुझे आप क्रेडिट डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। उसके बाद अब जिस वीडियो से या फिर मेरा चैनल, डायरेक्ट मेरा चैनल का जो है लिंक आपने कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के, मतलब लिखना है कि आप क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, ठीक है, मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, फ्री कॉपीराइट भी लिख लेना है, मतलब जिस तरीके से होता है। ये जो बड़े बड़े आप देख रहे होते चैनल होते हैं, हालांकि उनकी अपनी वॉइस नहीं होती, बड़े बड़े कारियों की यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छे खासे व्यूज़ भी ले रहे होते हैं और ऐसे चैनल मोनेटाइज भी होते हैं, कमा भी रहे होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने उसको क्रेडिट दिया होता है। तो इस तरीके से आपने मेरी तिलावत को आप इस तरीके से जब आप अपलोड करेंगे, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन डाल के, टाइटल डाल के और क्रेडिट आप मुझे देंगे, मेरा चैनल का नाम और मेरा चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के मुझे क्रेडिट देना है, सिंपल सा लिखना है, ठीक है। एक कॉपीराइट, फ्री कॉपीराइट जो भी है, जो तरीकेकार होता है, इस तरीके से आप जब आप करेंगे तो उसके बाद बाकी जो कीवर्ड होते हैं, सॉरी हैशटैग होते हैं, सूरा मुल्क है तो सूरा मुल्क का हैशटैग लाजमी डालें, कोई लोग किस तरीके से लिखते हैं, टैग हैशटैग जो होते हैं 3 से 4 डालते हैं, इसी तरह जो फुल कोमा वाले हैशटैग होते हैं वो भी आपने लाजमी डाल देने हैं। तो इस तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन बना के, टाइटल बना के, पूरा कंप्लीट करके, थंबनेल फिर जो है आप लोगों ने लगा के, जो आपका फिक्स टाइम है, ये फिक्स टाइम क्या होता है और टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं इसका भी नहीं पता, तो उसके मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है। इस तरीके से जब आप अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको यूट्यूब कॉपीराइट कॉपी क्लेम का मसला नहीं देगा। बाकी रही बात, कुछ लोगों का कहना है कि सर हम इस तरह करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे हमारे, ठीक है। देखिए पहली चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मुझे कमी नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा होता है तो मुझे बाकायदा पता होता है कि किस चैनल से अमाउंट कितनी आई है मेरे पास, किसकी है, तो वो आप तक पहुंच जाएगी। पहली चीज़ तो ये नहीं होती, होती भी है तो वो आपको मिल जाएगी, मैं खा नहीं जाऊँगा, ठीक हो गया। और ना ही मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ज़बरदस्ती आपको फोर्स करता हूँ कि आप इस तरह करें, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरे पास आके बोलते हैं सर फ्री कॉपीराइट तलाद कहाँ से मिलेगी, सर नो कॉपीराइट तलाद कहाँ से मिलेगी। तो भाई इसका आसान हल, आसान तरीका यही है, आप इस तरीके से करें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों के यही होते हैं। बाकी रही बात, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होते। देखिए जब आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आ रहा, एड भी चल रहे, तो इसका मतलब ये होगा आपके चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएंगे और हो भी रहे और लोग कर भी रहे। ये लोगों ने वैसे अफवाह फैलाई हुई कि नहीं होते ताकि हर कोई बैठ के ये काम ना करे, ठीक है। जहां आपको जिसकी वीडियो को इस तरीके से अपलोड करने पे कॉपीराइट कॉपी क्लेम नहीं आए तो आप काम को जारी रखें, इंशाल्लाह ताला ऐसे चैनल मोनेटाइज होंगे और होते भी हैं, लोग काम कर रहे हैं। अगर ऐसा मसला आता तो या तो ये रीयूज कॉन्टेंट में आ जाता, या कॉपीराइट आ जाता, या कॉपी क्लेम आपको आ जाता। जब नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह ताला वो चैनल मोनेटाइज भी होंगे। तो इस तरीके से आप काम करें तो यकीन करें सवाब का सवाब भी हो जाता, कल को आप इस पर अर्निंग भी करते हैं। तो मेरी इतलावत यूज़ करने का तरीकेकार ये है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, काफ़ी बहन भाई कर रहे हैं,
जो नए आ रहे हैं जिनको ये चीज चाहिए, फ्री कॉपी राइट नो कॉपी राइट, कहाँ से लें कैसे लें। देखिए बड़ों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अगर लेके आप अपने चैनल पर करते तो उसका तरीकेकार आप लोगों को मैंने अभी समझा दिया। इस तरीके से आप टाइटल में मेरा नाम लिखें, डिस्क्रिप्शन में लिखें, ठीक है, फ्री कॉपी राइट लिख दें और मुझे क्रेडिट दें, मेरे चैनल का लिंक कॉपी करके आप वहां लगा दें अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि यूट्यूब को लगे कि जिस चीज की आप जिस चैनल की आप ये यूज कर रहे हैं आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपको कॉपीराइट कॉपी करने का मसला नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई वीडियो के आप लोगों ने किस तरीके से आपने ये काम करना है, और मेरे चैनल को देख लो, उनको भी सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को जो ठीक लगे आप इस तरीके से काम करें अपने चैनल पे। इंशाल्लाह ताला आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, इंशाल्लाह ताला आप वहां से अर्निंग भी कर सकेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, नए आए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि जो जिनको ये चीज़ चाहिए उन तक भी ये चीज़ पहुँचे ताकि वो भी कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।